हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखो, अभी बाबू मेरी गोद में है और मैंने इसको जस्ट अभी नहलाया है। और लेकिन क्या बताऊँ, नहलाने के बाद भी ना ये आजकल सोता नहीं है। पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी रूटीन ही आजकल बहुत मतलब चेंज चल रही है। पहले तो नहाने के बाद 4-5 घंटे अच्छे से आराम से सो जाता था, लेकिन आजकल इसको क्या हो गया, ये मतलब आधा घंटा 20 मिनट सोता है, उसके बाद फिर जग जाता और फिर रहता ही नहीं है। तो फिर जग गया तो मैं ऐसे लोरी सुना के फिर से सुला रही हूँ। कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। तो फिर लोई चढ़ने के बाद धीरे धीरे ये सो गया और वो भी मेरा हाथ पकड़ के देखो, और फिर से ना मतलब थोड़ी देर के बाद ये फिर से जग गया, जो इसका अभी आजकल का रूटीन चल रहा है। तो फिर से मैं ना, और क्या बताऊँ, आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना, तो इसको गर्मी भी तो बहुत लगती है। तो देखो, ऊपर का फैन चल रहा है फिर भी मैं हाथ वाला पंखा इसे झेल रही हूँ, तो ये सोया हुआ है, नहीं तो फिर गर्मी के कारण भी जग जाता। आजकल गर्मी मतलब धूप कितना करता है ना, तो इसके वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये जग गया तो फिर रोने लगा, रहने ही नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी मालिश कर देते हैं, मालिश करने के बाद शायद ये खेले या फिर सोना होगा तो सो जाएगा। तो फिर ना मैं यहाँ बाबू की मालिश करने लगी। वैसे मालिश करवाने में ये बहुत आगे है। मालिश मतलब मालिश होने के टाइम में ना ये एकदम खुश हो जाता है, एकदम हैप्पी हो जाता है। किसी ही टाइम ऐसा होता है कि अगर ये रोने लगा या फिर इसको बहुत भूख लगी हो या फिर इसका मूड एकदम ख़राब हो या कुछ मतलब परेशानी हो, नहीं तो फिर ना मतलब मालिश करने में ना ये एकदम हैप्पी रहता है, मुस्कुराता है और अच्छे से करवा लेता है। तो जैसे देखो कि अभी मैं इसकी मालिश कर रही हूँ तो ये एकदम खेल रहा है। वैसे तो मुझे उतनी मालिश करनी आती नहीं है क्योंकि मम्मी जी मालिश करती है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना किसी काम में बिजी हो गई, तो फिर इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मालिश करना मतलब सीखना चाहिए, इसलिए कभी कभी मैं भी मालिश कर लेती हूँ। और इधर से तो खैर डेली मैं मालिश कर ही रही हूँ,
क्योंकि अब बेबी मेरा है तो फिर मुझे भी तो टाइम देना चाहिए ना, और तो इसीलिए अब जैसे भी होता है मैं मालिश कर लेती हूँ। अब अच्छा आया पता नहीं कैसा, तो बताना कमेंट्स में कि मैं मालिश मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ कि नहीं। तो मालिश के बाद भी ना बाबू रह नहीं रहा था, रोने लग गया, तो फिर ना पापा जी उसकी आवाज़ सुने तो फिर उसके दादाजी ना इसको ऊपर ले गए घुमाने के लिए। तो फिर जब बापू चले गया तो फिर मेरा बेड भी पूरा फैला हुआ था, होता है ना बच्चे रहने के बाद इधर उधर हो ही जाता है। तो फिर ना मैं सोचा कि चलो बाबू नहीं है तो तब तक ना मैं अपना बेड को ठीक कर लूँ। तो फिर मैंने अपना यहाँ पे देखो बेड ठीक कर लिया है, बेड सेट आज धोया हुआ था तो फिर आज बेड सेट मैंने लगा लिया है। और फिर देखो अभी तो शाम के मतलब 5:30 बज रहे हैं, फिर भी धूप मतलब है ही, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी इधर लगती है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, मामा से गुड इवनिंग नहीं करेगा, मामा से गुड इवनिंग नहीं करेगा बेटा। ओए हेलो हीरो, मामा से गुड इवनिंग कर लो ना। हाँ तुमको क्या हुआ, नींद नहीं आई? बस तुम 10 से 15 मिनट सोया और फिर जग गया? हाँ क्या होता है, कोई परेशानी है जो तुम अच्छे से सो नहीं रहे हो आजकल क्या? हेलो हेलो प्रस्तीप, बाबू मेरा बाबू कहाँ है, मेरा राजदीप कहाँ है, कोई देखा है क्या मेरा बाबू को, कोई देखा? अरे क्या हुआ, हाँ टैडी से बात किया बेटा? टैडी से बात किया बेटा है? देखो 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 देखो, टैडी बोला हेलो राजदीप, हेलो राजदीप, हेलो राजदीप। राजदीप तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, टैडी बोल रहा है हेलो राजदीप, तो राजदीप कुछ बोल ही नहीं रहा है, बताओ तो। टैडी बोल रहा है हेलो राजदीप, हेलो राजदीप, क्या कर रहे हो? राजदीप तो एकदम भाव खा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, ना मम्मा से बात कर रहा है ना टैडी से बात कर रहा है, पता नहीं मेरे राजदीप को क्या हो गया है। क्या हुआ? आज नहीं यहाँ पे मतलब बारिश भी हुई, ज़्यादा तो नहीं हुई 10 से 15 मिनट हुई, लेकिन फिर भी हुई तो ठीक है। गाइस आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। तो ठीक है आज की वीडियो में यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।